जय उत्तराखंड साथियों, मेरा नाम अजय बिस्ट वन्यू के टीम से। और आज जैसे आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार रात 9 बजे कुछ जानकारियां लेके अपने साथियों के साथ जुड़ते हैं, जो इस कोरोना महामारी के चलते काफी जगह हमारे, खासकर हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे साथी बेरोजगार हुए हैं। और इस बार की चर्चा में हमारे साथ हैं टीकाराम जी। टीकाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी नमस्कार। और साथ में यशोदा जोशी जी, यूके टाइम से दोबारा हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। यशोदा जी को नमस्कार। यशोदा मैम, आपसे चाहूंगा कि आप कृपया स्टार्ट करें। जो भी हम हमारे साथी कुछ जुड़ चुके हैं, और सभी साथियों से एक मेरी विनती होगी कि क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जानकारी दे सके और जानकारी के थ्रू एक दूसरे को सहयोग करें, सशक्त बनाएं। उसी के साथ हम शुरू करते हैं। मैम जी, जय उत्तराखंड। जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़ चुके हैं और आगे जुड़ रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ में वन यूके टीम की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बार फिर मुझे अपने पेज पर बुलाने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ दिनेश बिस्ट्री जी और अजय बिस्ट्री जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर शनिवार को हम किसी न किसी विषय पर आपके साथ एक चर्चा का विषय आपके सामने लेके आते हैं, ताकि स्वरोजगार जो हमारे उत्तराखंड के जो भाई बहन है उनको भी कुछ अच्छी जानकारियां मिलें। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उत्तरकाशी के टीकाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो होटल में शेफ हैं, और आगे की जानकारी हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार टीकाराम जी। नमस्कार यशोदा मैम जी, और समस्त व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके बारे में, सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो व्यूअर्स आपके बारे में उतना उनको मालूम नहीं है, तो उनको भी पता लगे आपके बारे में, तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। मैम, वैसे मैं प्रोफेशनली शेफ हूँ, और आजकल मैं वैसा एक साल पहले से स्वरोजगार पे भी काम कर रहा हूँ। हमारी दुकान भी है, हम पहाड़ी ऑर्गेनिक सामान भी बेचते हैं, और मैं उत्तराखंड की जो यूकेडी हमारी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, मैं उनसे भी जुड़ा हूँ। मैं वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ उत्तरकाशी से, तो बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो वैसा मेरा बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री से है, तो मैं शेफ हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हम अपने आगे के क्वेश्चन रखें, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि होटल का जो प्रोफेशन जो है वो, उसमें आप कब से हैं? मैं इस होटल के प्रोफेशन में 2007 से हूँ, और अभी तक जी। और आगे, जैसा कि कई तरीके के व्यवसाय हैं हम स्वरोजगार के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ अनोखा ही किया है, तो आपने ये जो लिंगुड़े का अचार है, इस बारे में आपको कैसे आया कि मुझे यही चीज करनी है? ये चीज ऐसी करनी है, क्योंकि अभी जब कोरोना महामारी आई तो होटल व्यवसाय लगभग सभी बंद हो चुके थे, और सब लोग लॉकडाउन के टाइम पे कुछ भी रोजगार ना होने के कारण सब लोग अब अपने घरों की तरफ रुख कर दिए। तो मैं जब घर आया तो मैंने देखा कि जंगलों में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो यूजफुल है, तो हम तो जो लिंगड़ा होता है जंगल में, तो वो इतना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हमारे उसको उसकी मंडी ऐसी थी मंडी। तो ये लिंगड़ा का चार में से मैंने एक साल पहले बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने 150 किलो बनाया था, तो पूरा बिका, बहुत अच्छे से बिका। प्लस इस बार भी मैंने जो पिछली बार की जो थिंकिंग थी वो भी मन मिला, इस बार भी क्यों ना बेचा जाए, पर मैंने कम मात्रा में बनाया, क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्केटिंग बहुत डाउन है, जो 100% का हमें 50 भी नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने लिंगड़ा का अचार, क्योंकि लिंगड़े का अचार का माइंड में क्यों आया, क्योंकि लिंगड़ा सिर्फ मई जून जुलाई तक उपलब्ध होता है, तब उसके बाद जो फर्न होता है वो बड़ा हो जाता है, तो किसी काम का नहीं रहता। अगर आप लिंगड़े को अचार के रूप में परिवर्तित कर दो तो साल भर तक आप खा सकते हैं, और लिंगड़े का टेस्ट भी ले सकते हैं। और एक दूसरी कॉन्सेप्ट ये भी है, लिंगड़े को काटो
उसको छत पे सुखाने डालो, उसको सूख के जब सूख जाएगा तो थैली में पैक करो, तो आप उसको पानी में जब डालोगे तो वो फ्रेश जैसा लगेगा, तो उसको आप साल भर तक खा सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट ये भी है इसका, अभी मैंने बना रखा है, घर में रखा हुआ है, जी इसको जी मार्केट में उतार लिया। हाँ जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने विदेशों में भी काम किया है और भारत में भी आपने काम किया है, तो जी। इसमें दोनों जगहों में आपको क्या अंतर लगा कि उनकी कार्यशैली में देखो क्या डिफरेंस? देखो मैडम, काम करने का वैसा मजा तो भारत में है क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, जननी जी जन्मभूमि स्या स्वर्गादपि गरीयसी, ये है। पर जो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से मैं बताऊं तो वो फॉरेन में अच्छा है, क्योंकि अब हमारे उत्तराखंड या मैं भारत के किसी भी शहर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये होता है, जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं, होटल के मालिक होते हैं, वो कभी भी इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते स्टाफ के प्रति। जैसे आप वहां पे जॉब कर रहे हो तो वो आपको कोई सैलरी नहीं देता टाइम पे, कोई कुछ, प्लस हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी थोड़ा सा वीक है। बाहर ऐसा होता है कि जो हमारी विदेशों में जो लेबर मंत्रालय है ना, लेबर मिनिस्ट्री बोलती है इसको, वो बहुत जी जी स्ट्रोंग है। अगर आपके साथ कोई भी छोटी घटना घट जाए तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी पूरी सैलरी और आपके साथ जो उनका ये है करार हो चुका था 1 साल का, 2 साल का, जो आपका वीजे का है, तो उसके हिसाब से उनको रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए जी स्ट्रॉन्ग रूल तो बाहर के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भारत में काम करने में बहुत मजा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपने देश की आलोचना कर रहा हूँ, वैसा काम जी करने का इधर बहुत अच्छा मजा है, लेकिन जो रूल है वो थोड़े लचीले हैं, लचीले हैं। बस रूल अगर तकड़े हो, और जो गरीब लोग हैं, जो इस तबके में होटल लाइन का जो तबका है, वो थोड़ा सा अभी स्ट्रांग नहीं बन पाया, तो उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए तो हमारा भारत भी किसी भी देश से कम नहीं है। बाकी काम जो है, काम सेम है, और सबसे जो ऑथेंटिक काम है वो भारत में ही होता है, विदेशों में इतना नहीं हो पाता, क्योंकि सबसे फ्रेश चीजें जो है वो हमारे भारत में ही मिलती है। विदेशों में तो आपको फ्रोजन में मिलेगा या डब्बों में पैक्ड मिलेगा, तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अब मैं मुर्गी की बात करूं तो जो वहाँ पे मीट फिश वगैरह होती है वो सब फ्रोजन होता है, फ्रोजन में इतनी ताकत नहीं जितने फ्रेश में। सब्जियां भी ऐसी ही मिल पाती है जैसी सब्जियां रहती है, जो हमारे फ्रेश घर की सब्जी होती है वो नहीं मिल पाती और जल्दी खराब भी होती है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि इस दुनिया में अगर फ्रिज ना होता तो लोग कितने स्वस्थ होते। फ्रिज जो बनाओ बेकार, क्योंकि लोग आलसी हो चुके हैं फ्रिज के, रात को आटा लगा दिया, अरे कल बनाएंगे, अगर फ्रिज नहीं होता तो फ्रेश बनाते। मैं यही बोलता हूँ कि ये फ्रिज के कारण लोग आलसी बन गए। मुझे लगता है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जोशी जी लेफ्ट हुई हैं, हाँ लेकिन कोई जी बात नहीं। टीकाराम जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात भी कही कि हम लोग आलसी हो जाते हैं और कारण क्या रहे हैं। इसी कड़ी में जैसे कि आपने कहा कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं और शॉप भी है आपकी, तो जी विदेशों में जैसे आपने होटल में विदेशों में काम किया है, तो होटल्स जी जी में ऑर्गेनिक उत्पाद को, जो हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद है, क्या इसको जी किसी स्पेशल डिश के तरीके से हम होटल में पेश करते हैं? आपकी आपका जो अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि हो, या फिर ऑलरेडी होता है? सर, अभी वैसा है भी और नहीं भी है, मैं 50-50 बोल रहा हूँ, क्योंकि जो छोटे होटल की बात करूँ, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, वो खुद के प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए ये चीजें यूज नहीं करते, क्योंकि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो बहुत महंगी मिलती है, तो उनको कॉस्ट भी अपना गंवाना नहीं। और बड़े बड़े होटलों की, मैं अगर 5 स्टार होटलों की बात करें, तो वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन की जाती है, जो क्वालिटीज होती है, तो वहाँ पे मेनू भी स्पेशल होती है, अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक कस्टमर को दिया जाएगा, उसमें क्वालिटी मेंटेन होती है। और जैसे मैं अभी अपने उत्तराखंड की, मैं विदेश छोड़ के मैं उत्तराखंड की बात करूँ, हमारे ऋषिकेश में जो तपोवन है ना, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो ऑर्गेनिक फूड ही सर्व करते हैं। वो जो हमारे ऋषिकेश में जो तपोवन है, वहाँ पे जितना भी जो एटमोसफेयर है, जो एरिया है, वहाँ पे योगा हो गया, राफ्टिंग हो गया, बहुत सारी चीजों का, और जो विदेशी सैलानी है वो सारे ऑर्गेनिक उत्पादों का ही ये करते हैं, सेवन करते हैं। तो मैंने तमिलनाडु में भी देखा, केरला में भी देखा, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो जिनकी कॉन्सेप्ट अलग ही है, सिर्फ ऑर्गेनिक के नाम से ही ऑर्गेनिक फूड बेचते हैं।
ऑर्गेनिक का जो मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं जब बाहर रहा था तो वहां पे जो सुपरमार्केट है, हाइपर मार्केट है, तो वहां पे ये है कि दो दो ये लगे रहेंगे अलग से रहते लगे, एक तो ऑर्गेनिक का है एक नॉर्मल है। ऑर्गेनिक में अगर 4 रुपए का जो नॉर्मल सामान बिकता तो वो जो ऑर्गेनिक है वो 8 रुपए का बिकता है। तो लोग जो जिसको पता है, जिसको हेल्थ देखनी है अपनी, क्योंकि सब बोलते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, हेल्थ इज वेल्थ, तो इसलिए लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो अभी स्लोगन भी दे रखा है गो ऑर्गेनिक, हर कोई ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो रासायनिक खाद है बहुत सारी चीजें, इससे लोगों का जो पेट है, बहुत बहुत सारी चीजें मैं बात कर रहा हूँ। जैसे लोग आजकल सस्ते के चक्कर में बीमार पड़ते हैं, तब फिर 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख अपने हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। और मैं बताता हूँ, जैसे 25 रुपए वाला चावल अगर आपको 50 का भी लगे तो आपके बच्चे और आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से चीड़ फाड़ निकला सकते हैं या कुछ भी चीजें हो तो आप ये निकला सकते हैं। ऑर्गेनिक का यही महत्व है, उसमें खाद का प्रयोग, केवल जो हमारी जैविक खाद है उसी का प्रयोग होता है। और जो इसका सबसे बड़ा प्लेटफार्म उत्तराखंड है, और मैं सिक्किम की बात कर रहा हूँ, सिक्किम तो पूरा राज्य ही ऑर्गेनिक पे है अभी, वहाँ के जो सारे जितने उत्पाद है सब ऑर्गेनिक है। जी आगे मैं आपसे जानना चाहूँ। हाँ जी बोलिए जी मैम। अजय जी आप क्वेश्चन करना चाहेंगे या मैं स्टार्ट करूँ? आप कीजिए आप जी। तो टीकाराम जी, मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगी कि जो कोरोना के कारण हमारे जो उत्तराखंड के हमारे जो होटल कर्मचारी हैं, उनको काफी वो संकट से गुजरे हैं, गुजर भी रहे हैं, तो क्या जो सामाजिक संस्थाएं हैं या सरकार है, ये जो धनी हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखो मैडम, मैं जैसे आपने प्रश्न किया कि धनी लोग या संस्थाएं, मैं धनी लोगों की तो बात नहीं कर सकता, उनका अपना पर्सनल मैटर है, किसी पे थोपा नहीं जा सकता। जब तक मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार को हमने बनाया है, हमारा अधिकार है, क्योंकि सरकार को जनता बनाती है तो जनता का अधिकार है। तो मैं सरकार को यही बोलूंगा कि हमारे उत्तराखंड में जो होटल इंडस्ट्री से है, मैं कम से कम फिक्स तो नहीं बता सकता हूँ, अनुमानित 65% लोग पहाड़ी जिलों से है। हर घर से दो आदमी, दो नहीं तो एक, एक नहीं तो किसी घर से 4 लोग होटल इंडस्ट्री में है और नाम कमा रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हमारे भाई लोगों का, हमारे गढ़वाले भाई लोगों का जो डंका देश में नहीं बल्कि विदेशों में बज रहा है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ हैं, आप देखते होंगे, जैसे हमारे कोई भी लीडर, जैसे मोदी जी, कोई भी लीडर बाहर जाते हैं तो कभी ना कभी गढ़वाली शेफ का फोटो उनके साथ आ जाता है, तो गर्व होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने अपना नाम का परचम बाहर ले रहा है। पर अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो इनकी जो हालत की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन हुआ आजकल, तो नौकरी तो सबकी लगभग सभी लोगों की गई है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि होटल लाइन ही वालों की, क्योंकि देश में बहुत सारे भी प्रोफेशन है, पर हमारे उत्तराखंड में होटल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग है। दो ही तो प्रोफेशन है इधर, एक एक आर्मी और एक होटल इंडस्ट्री। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलते होटल लाइन खराब है, होटल लाइन भी एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो टॉप 10 स्किल्ड वर्कर है, टॉप 10 स्किल में एक शेफ भी आता है। देखो जो डिश हम बनाएंगे, अदरवाइज कोई भी बनाएंगे, शेफ बनाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बना सकता, जो ऑपरेशन डॉक्टर करता वो हम नहीं कर सकते, इसीलिए शेफ और डॉक्टर को सिमिलरिटी दी गई। उसका जो यूनिफॉर्म होगा वो भी व्हाइट होता है, डॉक्टर का भी व्हाइट होता है, इसलिए वो टॉप 10 स्किल्ड वर्कर में। जी, तो मैं उनकी स्थिति में यही बोल रहा हूँ कि सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ टूरिज्म का बहुत सोर्स है, और हमारे जो उत्तराखंड में बहुत सारे फूड है जो अभी तक मार्केटिंग ना होने के कारण अभी ये उनको पहचान नहीं मिल पाई ढंग से। तो जैसे जैसे हमारी दुकान है गढ़ बाजार के नाम से हमारी, तो जो गढ़ बाजार की जो सोच है हमारे NGO के एक जाड़ी संस्थान से, श्री द्वारिका प्रसाद से माल, तो उनकी भी सोच ये है कि जैसा गढ़ बाजार, तो हमारे गढ़ बाजार में ज्यादा से ज्यादा जितने भी ऑर्गेनिक उत्पाद है सारे बेचे जाएं। और उनकी एक दूसरी थिंकिंग भी है, वो जो गढ़ भोज के नाम से अगर रेस्टोरेंट खुल जाए तो उसमें केवल ना केवल उत्तराखंड के ही जो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, जैसे मंडवे की रोटी है, सूप है, चौंसा है, बहुत सारी चीजें उसमें अगर ये प्रयोग हो जाए, तो उनकी भी ये सोच है, वो भी
चाड़ी संस्थान के संस्थापक हैं, वो भी एनजीओ चला रहे हैं, तो उनकी काफी अच्छी सोच है इस विषय में कि मिड डे मील में जैसे कीड़े वाले अनाज नए आजकल बहुत सारे हमको शिकायतें मिलती हैं, तो मिड डे मील क्यों ना हम हफ्ते में एक बार जो पौधे की रोटी हो गया या लाल चावल हो गया, झंगोरा हो गया, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रांग भी होता है आदमी, और उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है जो हमारा जो पौधा है वो शुगर फ्री है। लाल चावल जैसे लोग बोलते हैं कि जो चावल है तो चावल से शुगर होता है, बहुत सारी शिकायतें आती है, तो वो हमारे दुकान में आते हैं गढ़ बाजार देर में, वो बोलते हैं, तब मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि सर ये लाल चावल जो गढ़वाल का है ये एक ऐसा चावल है जिससे शुगर नहीं होता है और ग्लूटिन फ्री भी है, लोग ग्लूटिन फ्री की बीमारी से भी बहुत पीड़ित है, तो होटलों में बोर्ड लगे रहते हैं वी सर्व ग्लूटिन फ्री फूड, मेनू में रहते हैं, जैसे किसी को ग्लूटिन बीमारी से कोई ग्रासित है तो उसको पहले ही, जैसे एलर्जिक है तो उसको पहले ही निर्देश दिया जाता है, बड़े बड़े होटलों में इन चीजों का पालन जरूरी है क्योंकि फिर होटल की जो रेपुटेशन वो डाउन हो जाती है। जी एक क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, मिर्च का हो गया, कई तरह के जो अचार हम बनाते हैं उसमें जो हम मसाले यूज करते हैं, आप वही मसाले यूज करते हैं या लिंगुड़ी के अचार में आप कुछ विशेष मसालों का यूज करते हैं, वो हमें बताएं। देखो मैम, जो आपने सही क्वेश्चन किया कि जो मसाला हम यूज करते हैं, मसाला हम सेम यूज करते हैं उसमें, बट चीज अलग होती है, जो लिंगड़ा होता है वो चीज अलग होती है, उसका जो ये है कि मसाला वैसे आप फ्रेश भी बना सकते हैं, जिसको दिक्कत होती है, मैं तो फ्रेश बनाता हूँ, सारा ड्राई रोस्ट करके सारी फ्रेश चीज लाता हूँ, फ्रेश का बनाता हूँ, क्योंकि फ्रेश का मजा कुछ और है और रेडीमेड का मजा कुछ और, पर मैं जो लोग मेरे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको अगर बोल रहा हूँ कि अगर कोई बनाना चाहे तो मार्केट में भी 50-60 रुपए का एक पैकेट आता है, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, तो लिंगड़े का अचार आप ऐसा ही बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। देखो हमारे इधर एक तिमला, पता है आपको तिमला? जी जी खाया भी हुआ है। तिमला होता है, उसका भी अचार है, क्योंकि हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हमारा गांव, वहाँ पे तिमला है नहीं, तो मैंने कहीं दूर से लाया, तो मैंने दो तीन चीजें भी बनाई, तिमले का अचार बनाया, और आपने हनी चिली पटाटो खाया होगा, तो मैंने तिमला हनी चिली भी बनाया था इस बार, तो मैंने लेंगड़े की बहुत सारी चीजें, आपने जैपनीज फूड खाया होगा सुशी? जी जी तो मैंने खाया नहीं है। अच्छा अच्छा खाया नहीं है, तो मैंने उसका सुशी भी बनाया इस बार, मैंने ट्राई किया है कि पहाड़ी फ्यूजन क्या होता जरा, उसको मैंने ट्राई किया है, उसको मैंने नाम दिया है लिंगड़ा की सुशी, वैसे भेज सुशी भी होती है, जो सुशी होती है वो कच्ची मच्छी को राइस के अंदर स्टफ किया जाता है, एक राइस होता है वो भी ब्राउन राइस होता है जी, तो राइस के अंदर स्टफ किया जाता है, और जो राइस होता है वो विनेगर के अंदर पकाया जाता है, तो वो उसको जैपनीज सुशी कहा जाता है, मैंने थोड़ा ट्राई किया कि चलो लेंगड़े की सुशी बनाया जाए, थोड़ा सक्सेस हो गया था, मैंने फोटो भी शेयर की थी, तो मैंने लेंगड़े की एक नहीं कम से कम 10-12 चीजें बनाई है प्रोडक्ट के रूप में, तो मैंने शेयर भी की कि इन द फ्यूचर इसमें भी ही कभी काम हो सकता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सबसे मेन जो जो ये है वो है टूरिस्ट का, तो हम दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करें कि तुम्हारे इधर क्या है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ मैगी है, चाउमीन है, और जो चीजें है ये आजकल स्ट्रीट फूड में, हम उसको कैसे ट्रीट करें लोगों को, हम कैसे ट्रीट कि हमारे उत्तराखंड में खास क्या है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर ये चीज अभी तो नहीं हो पाएगी, इन द फ्यूचर 5-6 साल बाद इसका परिणाम जरूर मिलेगा जी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे आगे करना चाहूंगी कि अगर क्या आपको लगता है कि अगर गांव के सारे लोग आपस में बैठकर बैठक करें और मिलजुल कर व्यवसाय के बारे में एक साथ जिम्मेदारी लेने का सोचें तो उसमें क्या सफलता मिलेगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैम, सफलता जरूर मिलती, क्योंकि जब एक लकड़ी होती तो उसको हर कोई तोड़ सकता है, जब लकड़ी बहुत ज्यादा होती तो उसमें शक्ति होती, क्यों बोलते हैं यूनियन स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है, तो अगर मिलजुल के कुछ किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, तो एक जब संगठन इकट्ठा होता है तो बहुत सारे आयाम है हमारे यहाँ जो रोजगार के, तो जो हमारे यहाँ आजकल मैं ये बोलता हूँ कि लोग सबसे ज्यादा परेशान जंगली जानवरों से है कि जंगली जानवर आएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हाँ वो तो मेरे अंदर भी सोच है, जब मैं भी सोचता हूँ कुछ करूँ तो मेरे माइंड में आता है कि जंगली जानवर नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, तो
सरकार की तरफ से अगर कुछ योगदान दिया जाए जंगली जानवरों को भगाने का या मारने का, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये चीजें अलाउ नहीं है, पर मैं भी ये इसका पक्षधर नहीं हूँ कि हम हत्या करें क्योंकि मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूँ, पर इसका कोई ये कि मैं एक राइट सोल्यूशन, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो कीवी होता है, कीवी तो कीवी को ना बंदर खाता है ना सुअर खाता है, बहुत सारी चीजें नहीं, मैंने एक एक आर्टिकल पढ़ा था कि टेरी में एक बहन है तो उसने कीवी कीवी की खेती शुरू की तो उसको बहुत फायदा हुआ है। गांव के लोगों ने पहले उसकी आलोचना की कहाँ होगा क्या नहीं होगा, फिर उसने ट्रेनिंग ली हिमाचल प्रदेश से, सोलन से उसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो हमारे इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो कीवी की मतलब एक दो लोगों ने लगाया, हमारे यहाँ एक मेरे मित्र हमारे गाँव के, उनका नाम भगवान सिंह राणा है, तो उन्होंने भी लाया है तो उनका भी पेड़ बढ़ रहा है, तो अगर जैसे वो करे तो सारे लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो उन्होंने भी दो तीन दोस्तों ने मिलके, और हमारा एक मैं भी एक एनजीओ से संबंध रखता हूँ, हमारा एक एनजीओ है सामाजिक एकता परिवार के नाम से, हमने सिर्फ जो लोग फॉरेन में जॉब करते हैं और इंडिया में जॉब करते हैं उन लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है आज से 2 साल पहले। तो हम ये कि जैसे गांव में पौराणिक चीजें हैं ना, गांव में जो हमारे पौराणिक थौला मेला बोलते हैं जिनको, जो देवताओं की ये होती है, उसको जिंदा रखने के लिए हमने वो ग्रुप बनाया ताकि हम उसमें कुछ अपना सहयोग दे सके, थोड़ा सा डोनेशन कर सके। तो हमने ये किया, इस बार कोरोना काल में भी हमने 4-5 गाँव में मास्क बांटे और लोगों को फोन में ये जो ऐप क्या है उसको बोलिए नाम उसका आरोग्य आरोग्य सेतु है, वो डाउनलोड करके लोगों को अवेयरनेस किया। तो मैं उन समस्त साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो भी अभी लगे, उन्होंने भी अभी हमने एक मीटिंग की, हम 35 लोग है उस ग्रुप में, 35 से 40 लोग है उस ग्रुप में। तो हम जैसे आप बता रहे थे अभी कि आप गांव से मिलके इकट्ठे लोग क्या कर सकते, तो हमने कृषि विभाग से मिलके और अभी हम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम स्वरोजगार की तरह हम पेड़ पौधे या कोई फलदार वृक्ष सब्जियां उसका उत्पादन करेंगे तो लोग भी प्रेरित होकर हम हमारा साथ देंगे और सरकार भी हमारा साथ देगी इसमें। और मैं सामाजिक संस्थाओं से भी यही कहना चाहता हूं, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो गांव में जाके लोगों को प्रशिक्षित करें और ताकि कोई पलायन के लिए मजबूर ना हो। और जो धनी लोगों को तो मैं वो तो उनकी इंडिविजुअल सोच है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, और मैं सरकार से यही बोलूंगा क्योंकि हमने आपको चुना है, हमारा अधिकार है आपको बोलने का, तो आपको हमारी हेल्प करनी जरूरी है क्योंकि सरकार को इस चीज में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। क्योंकि आपने वेबसाइट तो बना दी कि आपको रोजगार दिया जाएगा, पर रोजगार में अगर आप उसमें करो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इतना पता नहीं है, क्योंकि हमारे होटलर भाई सब मैं ये सब बोल रहा हूँ उसमें से कम 10-15-20% थोड़ा बहुत सीधे साधे लोग हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होने का। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं बेंगलुरु में जब लॉकडाउन में फंसा था तो जब उत्तराखंड की गाइडलाइन आई कि रजिस्ट्रेशन कराओ, तो मेरे को आपदा जन प्रदन मंच उत्तरकाशी वालों ने सिलेक्ट किया, जो जिसके अध्यक्ष हमारे डिवारी प्रसाद सिंह वाले, तो उन्होंने मेरे को ये जिम्मा दिया। और दिनेश बिस जी ने भी मेरे को बोला था कि ये जिम्मा आपका, मेरा नंबर डाला था। तो मैंने 300 लोगों का पंजीकरण किया था क्योंकि ज्यादा जानकारी न होने के कारण वो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो मैंने 300 लोगों का पंजीकरण किया प्लस 500-600 लोगों को ई परामर्श किया फोन द्वारा कि भाई वहाँ पे ट्रेन आएगी, वहाँ पे ऐसा होगा। इसीलिए गाँव में इंटरनेट की सुविधा भी कम है, बहुत सारी चीज। सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा, आपके पास तो बहुत सारे संसाधन है, टीचर हो गया, कुछ भी जो बैंक के कर्मी हो गए उनको गांव-गांव भेज के उनकी लिस्ट तैयार की जाए किसको क्या रोजगार चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये होता है, हम अप्लाई तो कर देते हैं और तो फिर हम बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा कि गारंटर लेके आओ, बेचारा गारंटर कहाँ से ला रहा, वो खुद की गारंटी नहीं दे सकता, दूसरी गारंटी कहाँ देंगे। इन चीजों में ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि अब वेबसाइट खोलने से या बोलने से नहीं होता, क्योंकि इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है तो जड़ से शुरू करना पड़ेगा। जी जी हाँ जी। अजय जी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आए हो व्यूअर्स वगैरह के तो आप कंटिन्यू कीजिए। व्यूअर्स के क्वेश्चंस तो ले लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मैं एक शायद ये हर किसी का सवाल भी होगा, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा, सेफ साहब बता सकते हैं कि होटल में ऑर्गेनिक फूड ऑर्डर करने पर
100% ऑर्गेनिक ही होती है। हाँ, तो मैं व्यूअर से बोलना चाहता हूँ, देखो विश्वास एक बड़ी चीज होती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक ही सर्व होता है, क्योंकि उनकी जो गाइडलाइन रहती है, अभी जो हमारे यहाँ FSSAI जो है, जो लाइसेंस देती है, वो तो चेक करती है, और 100% आपको, 100% आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा अगर वो ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट हो तो। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में, ढाबे में जाओगे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, वहां पे ऑर्गेनिक आपको मिलेगा नहीं। जिसने कॉन्सेप्ट वही रखी है, इतना खर्चा किया, वो कभी अपने कस्टमर को निराश नहीं करेगा कि हम ऑर्गेनिक नाम देंगे और हर चीज बेचेंगे, कभी भी नहीं होगा ये, इस पे मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बड़े होटल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5-स्टार होटल में काम किया, वो कभी भी अपनी जो गलतियां होती हैं वो कभी भी सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि ऐसे में भले उनका 50 का जगह 100 का लग जाए, पर लाखों का नुकसान वो करने नहीं जाते, क्योंकि आजकल सब चीज इंटरनेट में हो गया, आपने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो आपके जो रिव्यू है, वो रिव्यू आ गए तो अगर आपके एक दो रिव्यू खराब हो जाएंगे तो 10 कस्टमर उससे खराब हो जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे रिव्यू खराब हो और मेरी रेपुटेशन डाउन हो। तो बड़े होटल्स में या जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट है, जो मैं ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बाकी छोटे मोटों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक तो चीज सर्व करते नहीं है, क्योंकि उनका इतना प्रॉफिट मार्जिन है नहीं। जो बड़े ब्रांड है वो जरूर ये चीजें करते हैं जी। बेसिकली नाम के ऊपर है कि नाम अगर खराब करना है तो वो तो आज आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि चंद मिनटों में ही नाम खराब हो जाता है। और अगर आपने अच्छा काम किया, बस थोड़ा सा ये होता है कि नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कि अगर कोई गलत हो तो बहुत ज्यादा उसमें व्यूज भी मिलेंगे, लोग भी देखेंगे, प्रतिक्रियाएं भी देखेंगे, लेकिन जो अच्छी चीजें होती है वो उस रेशो से नहीं बढ़ती है। तो बाकी झूठ होता है, झूठ की उम्र कितनी लंबी होती है, कल वो बैड रिव्यू देगा, परसों देगा, 10 दिन तक, फिर भी जो उसकी जो गुणवत्ता है वो तो सालों तक रहेगी ना। मैं यही बोलता हूँ, झूठ तक चलता है, वो होता है जो ज्यादा चमकता है। ये पूछ रहे हैं कि मसाला भी फ्रेश बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत होगी। अब अगर आपने मसाला मतलब इससे संबंधित अगर कुछ काम किया हो, कुछ जानकारी हो तो कृपया शेयर करें। तो जो मसाले होते हैं, जो मैं मसालों की बात करूं, उन्होंने शायद अचार का मसाला होगा इतना, मतलब उन्होंने पूरे ढंग से अपना क्वेश्चन नहीं किया। मैं अगर मसालों की बात करूं, फॉर एग्जांपल आप गरम मसाला बनाना चाहते हो तो वो फ्रेश ही अच्छा होता है। तो जो फ्रेश चीजें हैं, मैं बोल रहा हूँ, जैसे लौंग ले ली आपने, धनिया ले लिया, काली मिर्च ले लिया, स्टार फूल ले लिया, या जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो पड़ता है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ फ्रेश को आप सबसे पहले तवे पे ड्राई रोस्ट करिए। ड्राई रोस्ट में जो उसका अरोमा है, जब आप मिक्सर में पीसोगे तो उसका अरोमा जो है वो बहुत दूर तक फैलता है। मैं हमेशा होटल इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, जब मैं कुछ बनाता हूँ, हमेशा फ्रेश मसाला ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो उसकी खुशबू है वो बहुत चलती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब आप मसाला फ्रेश बनाते हो तो अगले दिन ये ना बोले कि मेरा तो फ्रेश नहीं। जब आप मसाला पीसोगे तो उसको डब्बे में डालें और ढक्कन लगा दें, क्योंकि उसकी जो खुशबू है बहुत जल्दी उड़ जाती है। जी जी हाँ जी, ये जानकारी मैं आगे जानना जी, बोलिए बोलिए अजय जी, बोलिए। मैम सवाल था एक मेरा, बीच में एक्चुअली पूरा था। मैं ये कह रहा था कि जैसे सर आपने बताया कि हम जैविक उत्पादों का उत्तराखंड होटल्स में ही, तो ऐसे कौन से उत्तराखंड में हमारे ऐसे कौन से जैविक पदार्थ हैं जिनको कि हमारी होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, ताकि मेरा मेरा जो सवाल है उससे संबंधित इसलिए है कि ताकि इस क्षेत्र में हमारे जो उत्तराखंड के भाई बंधु काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिले, प्रमोट करें हम उन चीजों को कि आप इस चीज में, इन चीजों के ऊपर काम कीजिए और डेफिनेटली होटलों में इनकी डिमांड बढ़ती है। देखो सर, जहां तक मेरा अनुभव है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो चीजों की खान है, खान देखो, इतने सारे जड़ी बूटी और जो हमारे ऑर्गेनिक उत्पाद है। अब देखो काले भट्ट है, काले भट्ट पता है ना आपको, जो ब्लैक सोयाबीन होता है, काले भट्ट के मैंने पिछली बार भी गढ़वाल मंडल विकास निगम होटल है तो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई आए थे, प्रहलाद मोदी जी, तो मैंने उनको 3 चीजें खिलाई उत्तराखंड की। तो मैंने काले भट्ट के कटलेट,
और राजमा और भांगजीर होगा पता आपको, पेरेला सीड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसकी गलम टिकावा, बाहर से मैंने उसका कोटिंग किया, जैसे हम ब्रेड क्रम्बिंग करते तो मैंने क्रम्बिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ उसमें भांगजीरा लगाया तो वो क्रंची होता है, आप कभी ट्राई करके देखना। तो एक वो खिलाया और एक मैंने जो जो हमारे कुलत होते हैं हॉर्स ग्राम, उसकी भी मैंने टिक्कियां बनाई, तो तीन चीज खिलाए मैंने। और उनको जो सॉस जो दिया, तो मैंने ये टमाटर सॉस नहीं दिया, मैंने दिया एप्पल का सॉस जो मैंने खुद बनाया था। तो मैं खुद ही उत्तरकाशी से आता हूँ, तो क्योंकि हमारा गंगा वैली और जमुना वैली में सेब का इतना स्कोप है, तो हमारे जो सीजन में कभी हवा हुआ से कभी सेब जो वेस्ट होते थोड़े टूट जाते हैं या बहुत सारी चीजें होती, लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो उसका और जो पके हुए सेब का दोनों कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका हम क्यों ना मार्केट में उसका ही सॉस एप्पल सॉस यूज करें। प्लम हमारे यहाँ होते हैं, एप्रिकोट हमारे होते हैं, जो हम टमाटो सॉस जो है ना वो तो आप भी नहीं खाते होंगे, मैं भी तो कभी नहीं खाता हूँ क्योंकि वो इतना हेल्दी नहीं है शरीर के लिए, मैं तो खाता नहीं हूँ, आप लोग खाते हैं तो बात अलग है। हम लोग तो मैं बोल रहा यहाँ दिल्ली दिल्ली में तो ये वही खाना पड़ता है। कभी आओ उत्तराखंड में, हम आपको एप्पल का सॉस खिलाएंगे, क्योंकि देखो एप्पल का सॉस, देखो टमाटो सॉस 150 या 200 की ब्रांडेड अच्छी बोतल आती है, तो जो एप्पल का सॉस है, एप्पल का सॉस हद से ज्यादा 100 रुपए का 120 का मिलेगा, आपको हेल्दी भी मिल रहा है प्लस टेस्टी भी मिल रहा है, टेस्ट भी उसका उसका आपको उससे बेटर मिलेगा। और मैं मतलब कभी टेस्ट कराऊंगा आपको, जो खुद की मेरी रेसिपी है तो मैंने उस पे भी, हमारे यहाँ देखो क्या बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज को कोई इतना तवज्जो नहीं देता है, तो दूसरे की चीज देखते तो हाँ क्या चीज है, पर यह है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा फायदा है, पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी इसके लिए मार्केटिंग में मतलब सबको प्रोत्साहित करना होगा, या स्कीम रखी जाए इसमें, जो होटल रेस्टोरेंट वाले लोकल उत्पादों को बेचेगा उसको इतना ये इसमें टैक्स में कमी, या कुछ अगर स्कीम रखी जाए, तो एक मेरी थोड़ी सोच है, अगर कोई समझे सरकार समझे तो लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अगर होटल व्यवसायी भी इतना भी महंगा सामान नहीं खरीद सकता, और मैं बोलूँ उनको टमाटर 100 रुपए में मिल रहा है, मैं 150 में बेचूंगा, वो कभी भी इसके पीछे नहीं आएंगे, तो सरकार को भी थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा ताकि हमारे जो लोकल उत्पाद है वो प्रमोट हों, और लोकल चीजें बहुत सारे मसाले हो गए हमारे पहाड़ों के, तो बहुत सारे मसाले, और हमारे उत्तराखंड में ये सबसे बड़ा ये है बेनिफिट है कि हमारे यहाँ शेफ ज्यादा है, जो शेफ होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, मसाले हो गए, चटनी हो गया, सॉस हो गए, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो सेब है तो सेब का अच्छा उपयोग, सेब की एक नहीं 50 चीज बनते, सेब के चिप्स बनते हैं, और जैसे हमारे साउथ में, तो साउथ में मैंने देखा, केरला में देखा मैंने, बेंगलुरु में देखा, तो वहाँ वहाँ का मुख्य तौर पे सबसे ज्यादा केला होता है, तो वो केले का चिप्स बनाते हैं, केले का चिप्स मैंने दुबई में भी देखा कि केरला से आए, और वो लोग नमकीन भी बनाते हैं, उसमें कड़ी पत्ता का तड़का हो, तड़का जरूर होगा, क्यों वो वहाँ का लोकल है, तो वहाँ के हमारे यहाँ अरसा होते हैं ना, अरसा अरसा बोलते हैं, अरसा पता होगा आपको, अरसा भी मैंने दुबई में खाया, वो लोग केरला वाले उसको उन्ना का ही बोलते उस लैंग्वेज में, और मैंने अपने गढ़ बाजार में जहाँ मैं सामान जहाँ मैं बैठता हूँ हमारी दुकान है, वहां पे भी मैंने पिछली बार 15 से 20 किलो अरसे बेचे हैं, क्यों क्यों जैसे हम बोलते हैं कि चलो किसी के बर्थडे पे या कहीं आप जैसे 1 किलो मिठाई, जैसे इसमें रक्षाबंधन हो गए दिवाली में, क्यों ना हम अरसे को ही प्रमोट करके लोगों को अरसा ही बांट दे, ये हमारे उत्तराखंड की मिठाई, तो बहुत सारी चीजें हैं लोगों को प्रमोट करने की, अगर सब लोग सहयोग करे, सरकार सहयोग करे तो बहुत कुछ हो सकता है, और अगर जिसको प्रशिक्षण चाहे, प्रशिक्षण भी सरकार की तरफ से, जैसे ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उसमें भी हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट उनको उस हिसाब से रोजगार भी दे सकते हैं। जी जी स्पीकर, आपके एक क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा हटके मतलब आपको लेकर है कि जैसे कि दुबई में आपने शेफ की जॉब की, लेकिन वो जॉब छूट जाने के बाद आपके जीवन में किस तरह की कठिनाई आई और आपने खुद को कैसे इससे संभाला अपने आपको? देखो कठिनाई तो नहीं आई, क्योंकि ये होता है
जीवन जो होता है वो परीक्षाओं के साथ चलता है, स्ट्रगल जो होता है, स्ट्रगल जब आप आदमी करता तो स्ट्रगल करने में ही मजा है। अगर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो उसको स्ट्रगल का पता नहीं लगता। तो दुबई में मैंने खुद जॉब छोड़ी थी, तो यहाँ पे जो गुड बाजार खोला था तो मेरे भाई भी चलाते हैं, तो मैं बेंगलुरु में गया था, वहां भी होटल है, तो मैं थोड़े बहुत इंडिया में भी काम करना चाहता था। जो जॉब छोड़ने वाली बात है मैंने खुद छोड़ी थी, और मैं जो मैं बेंगलुरु में था तो वो तो खैर छूटनी थी कोरोना के कारण, सभी की छुट्टी मेरी नहीं छूटी। तो जी जी ये मेरा अनुभव है कि कभी भी जो आदमी को समस्या आती है, दिक्कत आती है, और कभी कभी दिल टूट जाता है, तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि नौकरी छूट गए तो क्या होगा। नौकरी छूटना, या देखो उसको ये अवसर बोलते हैं कि अगर शायद आपको, क्या बोलते इसको, टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, शायद आपकी जिंदगी जी का कोई नया अवसर आया आपके जीवन में, तो एक बदलाव भी हो सकता है। तो इसमें दुख की कोई बात नहीं, नौकरी तो आती और जाती रहती है, बस यही कहना चाहता हूँ, जी जी ये टर्निंग पॉइंट। जी हाँ जी, अजय जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, क्वेश्चंस तो पूछेंगे। मैं एक्चुअली इस बात पे एक चीज कहना चाहता था, जो टीकाराम जी ने कहा कि हमारे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब खदान है, लेकिन प्रमोट करने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी समस्या, देखिए, जब तक डिमांड नहीं आएगी प्रोडक्शन नहीं होगा। जी लोगों को मैं अपने जी व्यूअर्स के साथ एक चीज और एक चीज ये कहना चाहूंगा, अपने साथियों से, दोस्तों से, जितने भी दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग एक्चुअली अपने उत्तराखंड की बैकबोन बन सकते हैं। बैकबोन किस किस तरीके से, कि जो हमारे उत्तराखंड में उत्पाद हैं उनका सेवन करना, उनकी डिमांड आप रेज कीजिए, डेफिनेटली उत्तराखंड में प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। लेकिन चाहिए हमें उत्तराखंड का, आप बाजार में जाइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अभी उत्तराखंड महाकौथिक हुआ था पिछले साल जब हुआ था, तो मैंने खुद वहां पे अपने जो मंडवे के बिस्किट है, मंडवे की बर्फी है, मंडवे के लड्डू, और मतलब अलग हटके कि मंडवा जैसे रोटी में तो सबको पता है, तो बाकी चीजें और क्या हो जी सकती है, मंडवे के नमकीन थे, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए शॉप लगाई, 5 दिन का था उस टाइम पे, शॉप लगाई थी। और अरसे, जैसे आप टीकाराम जी बता रहे हैं, आप यकीन मानिए, मतलब अंधाधुंध डिमांड थी अरसों की खासकर, और जो नई चीजें थी लोगों के सामने। लेकिन क्या है कि ये सीमित एक केवल कौथिक तक रह जाता है, कौथिक में जी आ गया, बहुत हमारे पहाड़ से भी काफी लोग आए थे, लेकिन इसको आगे हमें डेली यूज में किस तरीके से लेके आए, मैं अपने साथियों से, अपने व्यूअर से, आप लोगों से भी ये विनती करूंगा कि आप डिमांड रेस करना स्टार्ट कर दीजिए, कि मुझे अगर बिस्किट खाना है तो मंडवे का बिस्किट खाना है, मुझे अगर चीज, अगर मैं जी चाहता हूं, हम यहाँ बैठे भी अपने उत्तराखंड के लिए सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से, ये हमको, हम डिसाइड कर सकते हैं इन चीजों के ऊपर। अगर हम, तो हमें, आप होटल में जाते हैं तो आप डिमांड कीजिए कि मुझे गैस का सूप चाहिए। एक भाई ने अभी उत्तराखंड ये बाजार जो महाकौथिक था उसी में लगाया था, इतना टेस्टी सूप हुआ, मतलब यकीन मानिए कि पहाड़ी पहाड़ी ढीला या कुछ इस तरीके से शॉप थी, और वो बताते भी हैं कि हमारा रेस्टोरेंट भी है देहरादून वगैरह में, बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लगा, और केवल एक इस चीज को बढ़ावा देने के लिए। जी तो ऐसे जितने भी हमारे सेफ साथी या होटलियर्स हैं, मैं तो ये प्रयास चाहूंगा कि आप लोग ही कुछ इस तरीके की चीजें इजाद कीजिए कि जो केवल पहाड़ी उत्तराखंड इसके नाम से वर्ल्ड वाइड फेमस हो, और इसकी डिमांड इस तरीके से बढ़े कि हमारे होटलियर्स जो इतने, जैसे आपने बताया है कि इतने परसेंटेज, करीब 45% हमारे साथी इस इंडस्ट्री में, 65, तो 65% आप ये देखिए कि आज की डेट में, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इस टाइम पे नहीं काम कर रही है, तो सब इस टाइम पे एक तरीके से बेरोजगार है। हाँ, तो तो आपकी नजर में क्या है? देखिए, सरकार जो अपना काम कर रही है वो तो वैसे ही करेगी। मैं आपको सरकार का उदाहरण देता हूं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जी जिला स्तर पे साल भर में केवल 125 ही एप्लीकेशन अप्रूव हो,
सरकार की बात बता रहा हूँ आप, मुझे कोई बता रहा है कि 1200 एप्लीकेशन उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मतलब 10 साल के बाद जाके आपको वहां से कुछ सहायता मिलेगी अगर आपका नंबर आया तो। तब तक भूख से मर जाएगा आदमी। सरकार इस तरीके से करेगी, लेकिन तब तक हमें क्या करना है, हमें खुद इस तरीके से प्रयास करना है। टीकाराम जी आपके साथ मेरा यही सवाल है कि जी आप किस वजह से देखते हैं कि आज के होटलियर्स हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं वो ऐसा जी क्या काम कर कि जो उनकी इस पे आर्थिक स्थिति खराब हुई है या जो बेरोजगारी का परेशानी वो झेल रहे हैं उस चीज से कैसे उभर सके, ये आप कृपया उनको बताएं। जी मैं उनको यही बता रहा हूँ कि देखो जैसे मैंने होटल जॉब छूटी सब कुछ छूटा दे तो उतनी कमाई मेरी इस काम में नहीं है जितने होटल में थी, क्योंकि सैलरी हर किसी की अच्छी होती है। तो सरकार तो यही बोल रहे हैं आप इनको मनरेगा के तहत काम दिलाओ, ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये तो मेरे को जमा ही नहीं। क्यों, जिस बंद कोई बंदा 60,000 सैलरी ले रहा है, ये सभी 2-2 लाख सैलरी भी लेते हैं हमारे गढ़ वाले भाई लोग। आजकल जो सब कुछ खत्म है, जो एक बहुत बड़ा शेफ होगा कुछ भी होगा तो मनरेगा के तहत काम कर पाएगा, आप ये बताओ, नहीं कर पाएगा ना। ये तो एक थोड़ा सा खाना पूर्ति की दे दो उसको रोजगार। तो ये है कि जब मैं ही बोल रहा हूँ अपनी बात, तो मेरे को तो इतना पैसा मिल नहीं रहा। आजकल वैसे भी बिजनेस डाउन है, तो चलो कुछ ना कुछ, देखो एक पाइप होता है, तो पाइप में जब पानी आता थोड़ा 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 करके आता, एक टैंकर होता, टैंकर में तो बहुत भारी आता, वो खत्म हो जाता है। तो वही कि पाइप जैसे पानी आए और रोजगार मिले सबको, और लोग खुद की जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको क्रिएट करे कि मैं किस हिसाब से क्या करूँ कुछ ना कुछ। बहुत सारे भाई भाई लोग हैं, जब मैं खेती के बारे में बोलूंगा कि आप मशरूम उगाओ, ये सतवारी उगाओ, तो जो सतवार खेती की बात करो तो उसमें लगभग लगभग 13-14 महीने लग जाएंगे। तो लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, भले देर भले लगे, पर अगर आप खेती करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम कुछ भी होने वाला नहीं और सरकार भी कुछ करने वाली नहीं। वो जो आपने सही बात रखी कि दिल्ली में मैंने मंडवे की बिस्कुट खाए, ये खाए, तो हाँ वो तो बहुत सारी चीजें, वो केवल न केवल वहीं तक सीमित रहते जब तक मेले हो गए, बाद में लोग वही चाउमीन पे आ जाते और दाल मखनी पे आ जाते। और मैं ये बोलता हूँ, पिछली बार 26 और 27 28 तारीख तक दिसंबर में मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल लगा था, तो हमने भी वहां पे स्टॉल लगाया था गढ़ भोज के नाम से। तो मैंने खुद की क्रिएटिविटी करके एक चीज बनाई, एक झंगोरा, पता है ना आपको बर्नियर्ड मिलेट्स, झंगोरा, झंगोरा और बुरांस का कॉम्बिनेशन किया, तो उसकी फिरनी बनाई, झंगोरा बुरांस की फिरनी, उसमें मेरे को अवार्ड भी मिला था उधर। तो मैंने एक बनाया फ्यूजन पहाड़ी चौसा, उसमें 5-6 प्रकार की दालें मिक्स की, फिर लाल भात, और मैंने एक बोरी कंडाली लाई घर से, तो उसका सूप भी बनाया और काफली बोलते वो भी बनाया, और फिर खुबानी की पुडिंग भी बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई, तो लोगों ने बहुत अच्छा मजा लिया। पर मेरे को दुख की बात ये लगी कि हमारे जो खुद के लोकल लोग गढ़वाली लोग हैं उनको मेरे को मिले और वहाँ पे क्या बोला, अरे भाई ये तो हमारा गाय भैंस खाता है घर में। तो मेरे को बहुत शर्म आई, देखो जो टूरिस्ट है महाराष्ट्र से आया है, बंगाल से आया, कहाँ कहाँ, वो लोग हमारी चीजों का आनंद ले रहे, अप्रिशिएट कर रहे, ये लोग चलो खाओ ना खाओ आपकी मर्जी है, कम से कम लोगों के सामने ये मत बोलो कि ये हमारे गाय भैंस खाते हैं। ये कमी है कि खुद को या दूसरे को हम लोग प्रमोट नहीं करते, तो इस वजह से हम पीछे रह गए। देखो साउथ में जो चीजें देखी मैंने, तो साउथ में खुद के लोकल प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो मैं सभी जितने भी गांव में सेफ लोग हैं कुछ ना कुछ नया करें, और जैसा अभी मैंने कल देखा एक लड़की है हमारे रिलेशन में है, तो उसने बीएड कर रखा है, तो आजकल सब कुछ बंद है, उसका नाम आशा राणा है, तो उसने मेरे को फोटो भेजी और बताया, तो उसने कम से कम 500-600 राखियां बना रखी अपने हाथ से बनी हुई, और जो पुरानी बोरी होती है बहुत सारे कट्टे वगैरह उसमें पेंट करके धागे मंगा के बहुत सारे बैग भी बनाए। मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम है तुम्हारा, बहुत अच्छी कलाकारी कर रखी उसने। तो ये चीजें नई नई चीजें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा फूड की तरफ ध्यान दो, अगर किसी को कुछ और नया करना आता तो अपने हुनर को जरूर दिखाए, और जरूर समय लगेगा, क्योंकि ये जो समय है हर किसी के लिए बहुत कष्टकारी समय है। वही बोलते हैं कि कभी ना कभी उजाला होगा, और हमारे गढ़वाली में भी बोलते हैं कि कभी तो खुलली रात,
कभी ना कभी ये रात खुली जाएगी, उजाला होगा, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और मैं जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग घबराए नहीं कि यार मैंने ये कोर्स कर दिया होटल तो बंद हुआ, ये चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं, ये अभी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी आगे जब ये सब चीज़ खत्म हो जाएगी। टीकाराम जी, मैं कुछ जैसे मैं सवाल की बात कर रहा हूँ। जी जी ये 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 सवाल वही है एक्चुअली, अपने उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए आपके फील्ड से संबंधित, है ना। और कुछ ये सवाल है, कुछ नया बताएं जिससे हम होटलियर के कुछ नया नया काम हो सके। तो ये एक सवाल और है जी, क्या टीकाराम को लगता है कि उत्तराखंडियों की मानसिकता एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे को साथ लेकर विकास की ओर जाएगी? तो ये जो जी, आपका बेसिकली आपकी बात थी कि आप वहां पे गए, आपने रेसिपी बनाई एक अलग से और बाहर के लोग आके उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वहीं पे हमारे ही अपने उत्तराखंड के लोग मतलब उस चीज का, मैं देखिए मैं शायद इस चीज को ये समझना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारी मानसिकता या बुद्धि इस लेवल की नहीं है कि हमें क्या चीजें क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, शायद ये उस समझ की कमी रही। जी जी इंटेंशन ये नहीं थी कि हम मेन प्रॉब्लम यही था, समझ की कमी थी कि हम वहां पे चीज को इस तरीके से बोल पाए। उदाहरण के लिए उस दिन जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद शॉप लगाई थी तो मंडवे का आटा किसी ने मेरे से पूछा 50 से 60 रुपए किलो, जहां तक है हम जो वहां पे स्टॉल था वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे यार तुम तो हमें पहाड़ियों को ही लूट रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि दीदी जी कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इस स्टॉल के इस साइड आ जाइए और मैं उधर से आपसे खरीद लेता हूँ, आप यहाँ पे बैठिए। और आप कितनी मेहनत करते थे एक मंडुआ उगाने के लिए अपने पहाड़ों में, और आज वो मंडुआ वो आटा आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप सोचिए कि आपके लिए क्या मतलब क्या इसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी। तो ये हम लोगों को खुद समझना चाहिए और हम लोगों को खुद अपनी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। इसी के साथ जो विश जी का सवाल था ये कि लोग क्या आपको लगता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग एक दूसरे के टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे? वो तो डेफिनेटली है सर, कि जो हम अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैंने आपने आपको मसूरी वाला उदाहरण दिया, उन्होंने उनकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनको समझ की कमी थी कि कौन सा शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सारी ऑडियंस है, बाहर टूरिस्ट है, तो उनके जेहन में अगर वो बात आएगी तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो इनके खुद के लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या सपोर्ट करें, पता नहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहे होंगे लोगों को कि ये इससे ऐसा होता है, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट है बहुत ज्यादा है। हेल्थ बेनिफिट में देखें तो आजकल जो हमारे पुराने लोग हैं तो वो अभी तक किसी की चीरफाड़ इंजेक्शन कुछ नहीं लगता है, 102-103 साल के लोग, क्यों उन्होंने ये मंडुआ और ये सब चीजें खाई है, और हम लग गए आज दौड़ और भाग भरी जिंदगी के पीछे, थोड़ा सा खाया ज्यादा बहुत इजी, तो मैगी हो गई आजकल, मैगी खाए चले, और इजी रेसिपी भी हो गए पानी में डाले हो गए। तो मैं अपने उत्तराखंड के लोगों को से यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, अब मैंने ये भी देखा है, तो मैं पिछली बार किसी गांव में गया था अनाज खरीदने के लिए, जो अनाज होता लाल अनाज, तो हमारे कोई रिलेशन वाले निकले, तो मैंने बोला कि आपके यहाँ अनाज कितने का है, उन्होंने क्या बोला, बेटा वैसे तो हम 10 रुपए, या जैसे मैं एग्जांपल बोल 10 रुपए किलो या 10 रुपए पाथा होता है बेचते हैं, बेटा तेले तो 9 ही है, तो 9 ही में ले ले। मैंने बोला ये बात नहीं है, मैं आपको 20 देता हूँ। मैंने उनको 20 दिया, 10 की जगह 20 दिया या 30 दिया, मैं अमाउंट की बात करूँ दुगुना दिया, उनसे खरीदा, क्यों, अगर मैं उनको 10 की जगह 9 देता तो अगली बार वो कभी भी नहीं उगाते थे। मैंने जब उनको थोड़ा लालच दिया, उनका लालच बढ़ गया, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे घर वालों को फोन किया, उस लड़के को बोलना कि फिर से अनाज के लिए आना, हमने किसी को नहीं दिया, क्योंकि अगर बिचौलिया जो लोग रहते हैं ना, मैंने बहुत सारे दिखे बिचौलिया भी बहुत है समाज में आजकल, आपसे 2 रुपए किलो खरीदेंगे, आपने आप 100 रुपए किलो बेचेगा, देखो जब तक हम
मिलके नहीं चलेंगे, किसान का फायदा नहीं होगा, किसान उगाना ही छोड़ देगा तो मैं दुकान कहाँ से चलाऊंगा, क्योंकि एक जो अन्न का दाना होता है, जो एक चावल होता है, उसको उगने में 120 दिन लगते हैं, तब वो पकने वाले मुंह में जाता है, तो उसकी भी किसान की भी हमको कीमत समझनी होगी, किसान की वैल्यू क्या है। क्योंकि इस बार मैंने भी खुद काम किया अपने खेतों में, रुपाई लगाए, आज से पहले मैंने कभी नहीं लगाई थी, कभी लगाए थे होंगे जब 9th 10th में पढ़ते थे होंगे, पर मेरे को भी पता लगा रात को नींद नहीं आती थी, नींद क्यों, बेचैनी और हैबिट नहीं थी, स्टेमिना नहीं था, तो मेरे को भी पता लग चुका है। मैं उनको भी बोलते हैं, बोलना चाहता हूँ, जो लोग किसानों से औने पौने दामों में खरीद के फिर उसको अपने खुद के मुनाफे के लिए बहुत ज्यादा रेट में बेचते हैं, ये भी गलत है। किसानों का अगर प्रोत्साहन करना है, उसने अगर आगे उगाना है तो हमको ये चीजें लानी जरूरी है, क्योंकि मेरे पास पूरी डिक्शनरी है, ये किसानों की जो डायरेक्टरी, टेलीफोन, मैं तो कस्टमर को बोलता हूँ ये हमारे किसान है, इससे पूछो मैंने कितने में लाया, क्योंकि कस्टमर के बीच और किसान के बीच का जो फासला है वो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, तो कस्टमर भी उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और हमारा हमेशा का यही, जी बोलिए, माफी चाहूंगा टीकाराम जी, एक्चुअली समय समय का भी थोड़ा सा अभाव है, और जी जी एक हमारे व्यूअर्स के बहुत सवाल है, लेकिन हम कुछ जो कि क्योंकि मुद्दे से हम आज हमारी ये चर्चा केवल इस वजह से है, जैसे आपने बताया कि 65% हमारे जो साथी हैं, होटलियर्स हैं, वो आज की डेट में अपनी बेरोजगारी से हैं, और अपने उत्तराखंड में भी काफी लोग गए हुए हैं, तो उनके पास आज के डेट में क्या ऑप्शन है? ऐसे ही यहाँ पे मोटिवेटिंग अप्रोच, थैंक्स टीकाराम जी, प्लीज सजेस्ट टॉप 3 डिशेस विच शुड बी प्रमोटेड। तो आपके हिसाब से ऐसी क्या चीजें हैं कि लोग उन चीजों को प्रमोट कर सके, टॉप 3 डिशेस क्या होंगी आपके? तो सर जो मैं बोल रहा हूँ, किसी में क्या बोल रहा है आपने, दोबारा बोलिए, टॉप 3 डिशेस, जो टॉप 3 डिशेस आपके नजर में क्या होनी चाहिए कि जो हम प्रमोट करें और लोग इसको एप्रिशिएट, मतलब क्या है कि लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपना आपका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, तो लोग इस चीज में डिमांड भी अच्छी आएगी और आप उस चीज को प्रमोट भी कर सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो भाई लोग हैं वो यहीं रुकना चाहते हैं, तो उनको भी आजकल बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी जो स्वरोजगार की बात करूँ, डिश की बात बाद में करूँ, तो आजकल इतना फायदा तो नहीं, वो प्रमोट करना जरूरी है। अब जैसे आड़ू लग गए, आजकल हमारे चचिंडे आते हैं, उनका भी अचार बनता है, जी जी। अच्छे से बनता है, और खीरा है, और बहुत सारी चीजें, जो सेब है, सेब भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं, उसका भी अचार बनता है, बहुत सारी चीजें बनते हैं, प्रमोट करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ चावल भी आने वाले हैं अभी, और इसके बाद जो हमारे इधर जड़ी बूटियों का भी बहुत सोर्स है, आजकल जो कोरोना में चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है इम्यूनिटी बूस्टर क्या है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इधर एक केदार पत्ती नहर बोलते हैं इसको, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर हर जंगलों में होता है वो, तो उसकी भी चाय या दूसरी चीज में लेमन ग्रास की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक खुद चाय बनाई, उसका भी इतना ये आजकल मांग है मार्केट में, वो खत्म हो गई मेरे पास, मैं अब जाऊंगा ऊपर, एक हमारे जंगलों में चोरा होता है, तो उसको मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ज्यादा मात्रा में लाओ, ये कि वो करके भी आप, और जिसको हम कंडाली बोलते हैं, शिशुणु, उसको आप थैली में पहले सुखा के थैली में पैक करके, आजकल वो बहुत ज्यादा बिक रहा है मार्केट में, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अभी मार्केट में लाने में या प्रमोट करने में सरकार का सहयोग जरूरी है। तो मैं सरकार को यही बोलूंगा कि हमारे उत्तराखंड में जो रोजगार के आयाम बहुत है, जो सबसे बेस्ट है टूरिस्ट, जब हम बोलते हैं टूरिज्म ऑफ उत्तराखंड बोलते हैं ना, तो मैं एक और चीज जोड़ता हूँ, क्योंकि जो हमारा फूड है बहुत पौष्टिक है, टूरिज्म के साथ अगर हम फूड जोड़े, फूड एंड टूर क्या बोलते हैं, और हमारा जो सांस्कृतिक कल्चर है, गुड मूड गुड फूड होना जरूरी है। और एक और चीज, फूड एंड टूर नाम से कैंपेन चलाई जाए, फूड के साथ टूर का होना, अगर आप टूर करोगे तो फूड तो खाओगे, क्यों ना हम अपने उत्तराखंडी फूड के साथ एक कैंपेन चलाएं, फूड एंड टूर, टूर के साथ फूड भी होगा, एंजॉय होगा, और लोगों को जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आएंगे तो उनको भी पता लगेगा कि उत्तराखंड में कौन सा फूड होता है। तो सरकार को सबकी यही हेल्प करनी चाहिए कि टूरिज्म के साथ एक चीज जरूर जोड़े, फूड एंड टूर, और प्रशिक्षण के लिए अगर किसी को प्रशिक्षण लेना है तो किसी
वो शेप दोबारा बाहर क्यों जाएगा, अगर उसके अंदर हुनर है तो लोगों को ट्रेन कर सकता है, एज ए ट्रेनर रख सकते हैं। हमारे हमारे गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम में कम से कम 300-400 ये है गेस्ट हाउस है, वहां पे भी आप उनको एज ए ट्रेनर एज रोजगार दे सकते हैं उत्तराखंड वालों को। और टूरिस्ट की तो बहुत बड़ी फेहरिस्त है हमारे उत्तराखंड, प्राइवेट होटलों में हो गया, सब जगह आप उसको प्रमोट। हमारे यहाँ जैसे कैंपिंग करते हैं जंगलों में, तो आपने देखा जैसे समुद्र में करते हैं तो बॉनफायर करते हैं समुद्र में, तो जंगलों में भी तो ये कैंपेन चला सकते हैं। जैसे हमारे बुग्याल है, बुग्यालों में फूड एंड टूर एक कैंपेन चला दी, तो सरकार ही एक सब कर सकती है, हम इंडिविजुअल आदमी इसको नहीं कर सकते। जी जी, तो मैं ये छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ जो भाई लोग रुके हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा अचार बनाइए या मसाले बनाइए, फ्रेश मसाले, अब धनिया भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें फ्रेश मसाले बनाइए। और अब जो बुरांस का सीजन होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बुरांस के जूस हो गया, जहली हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो सरकार से जो उम्मीद करना है वो तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, सरकार से जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। जी टीकाराम जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बीज बम, एक बीज बम मैंने सुना और पढ़ा भी, तो ये बीज बम क्या है और ये क्वारंटीन के समय में आपने भी इस बीज बम का बनाया आपने, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके फायदे? इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा जोशी जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा ये जो क्वारंटीन के टाइम पे आपका आपके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि हमें इस चीज काम करना चाहिए, और उस टाइम का रिव्यू करने के बाद आपको कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पे आपके आर्टिकल्स भी आए थे? जी, जो बीज बम है तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो गढ़भोज के और गढ़ बाजार के जो संस्थापक द्वारिका सेमवाल जी, सबसे पहले उन्होंने ही उत्तराखंड में किया था ये, और ये वैसी मिस्र और जापान की एक ये वो सीड बॉल के नाम से था, तो ये नाम दिया उन्होंने बीज बम। बीज बम के ये फायदे हैं कि मैं आप रेसिपी भी बता दें, जो बीज बम है आप मिट्टी लो, थोड़ा गोबर लो, थोड़ा पानी लो, उसको मिक्स करो, उसके अंदर बीज बीज डालो और उसको गोले बनाओ और छांव में सुखाने को डाल दो। फिर 3-4 दिन बाद आप जो गांव के बाहर जो बाउंड्री होती है उसमें फेंक दो, क्योंकि इसका फायदा यह है कि जंगलों में आजकल जो हमारा गलती हमारी है, जंगली जानवर तो आएगा ही, क्योंकि गलती हमारी है कि जो अंधाधुंध दोहन है वो इंसान ने किया है, जानवर तो प्रकृति ने जो बनाए हैं वो तो हर कोई निर्भर है, भगवान ने सब चीज बना रखी, जैसे ककड़ी हो गए, खीरा हो गया, कद्दू हो गए, बहुत सारी चीजें हो गए, और एक चुल्लू होता है खुबानी, उसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि उसकी लकड़ी भी काम आती है, पेड़ भी काम आता है, फल भी काम आता है, और उसका सब बीज भी काम आता है, सब चीज काम आता है। तो हमने वैसे इस बार चुल्लू के भी डाले क्योंकि वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, जो कद्दू है, खीरा है, बहुत सारे बीज हैं, तो उसके बम बनाकर हमने जंगलों में फेंका जाता है। वैसे मिस्र की और जापान की एक टेक्नोलॉजी है, जो बाउंड्री में डाला जाता है, जो जानवर खेतों में नुकसान करने के लिए आएगा वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको खाना जंगल में ही मिलेगा तो खेतों में क्यों आएगा। तो इसका एक यही इलाज है, इसके जो प्रेरणा स्रोत है द्वारिका प्रसाद से मॉल, उनका नाम है जाड़ी संस्थान से। और मैं जो आर्टिकल है तो आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है, दैनिक जागरण ने भी छापा है, और इंडिया टुडे ने भी, आज तक इंडिया टुडे ने छापा है कि देश के अनजाने मसीहा। और जो क्वारंटीन में मेरे दिमाग में इसीलिए ये ख्याल आया क्योंकि हम काम तो कुछ कर नहीं सकते, बना भी कुछ नहीं, खिला किसी को नहीं सकते क्योंकि वो फालतू टाइम है, मैंने सोचा कि ये है कि इस टाइम जो समय है शिकायत करने का समय नहीं, क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही थी क्वारंटीन सेंटर से, स्कूल टूटा हुआ है, पानी नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत शिकायत आ रही थी, पर मैंने सोचा शिकायत हम बाद में करते रहें क्योंकि समय ये बहुत नाजुक समय है, शिकायत हम बाद में करते रहें, क्यों ना हम क्वारंटीन का अच्छा फायदा उठाएं। 20,000 बीज बम बनाए थे मैंने उस टाइम पे, वो बाद में फेंके भी। आजकल भी 7 राज्यों में बीज बम का कार्यक्रम चल रहा था, तो उत्तराखंड के जो लोकल न्यूज पोर्टलों ने तो सभी ने दिखाया और राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने भी दिखाया इसको, बस यही है बीज बम का, आप भी ट्राई कीजिए कभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और डेफिनेटली। हाँ जी टीकाराम जी, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा कि आपके भाई की देहरादून में गढ़वाल मंडल निगम में कोई शॉप भी है,
जी वही तो सब हम आप करते चला रहे हैं। जी क्या बेचते हैं और गुजारा किस तरीके से हो पाता है उसमें? देखो सर, गुजारा ऐसा है कि क्या बोलते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा। यह है कि गुजारा तो अच्छे से पिछले साल तक हो रहा था और नए भी होगा तो परमात्मा है सबको पालने वाला है। तो बिल्कुल इस बार पिछली बार से बहुत बढ़िया चल रहा था, इस बार कोरोना से आपको पता है कि सारे अच्छे अच्छे सारे बिजनेस ठप हो रहे। सब हमारा तो एक छोटा सा था, तो जी हम उसमें कम से कम 13-14 टाइप की तो दालें बेचते हैं सर, जो हमारे उत्तराखंड में जो उड़द दाल हो गए, काले भट्ट हो गए, सफेद भट्ट हो गए, राजमा 5-6 टाइप की, चकराता की राजमा हो गई, मुंशियारी की राजमा हो गई, हरसिल की राजमा हो गई, और अपना गहत हो गया, और रयास दाल होती है, नौरंगी दाल हो गई, लोबिया व्हाइट हो गया, लोबिया लाल हो गया, वो सब बेचते हैं। और हम बुरास का जूस भी बेचते हैं, अचार भी बेचते हैं लेंगड़े का, और खुबानी का अचार इस बार भी बनाया था मैंने, जो चुल्लू बोलते हैं उसका भी अचार बनाया था, उसका भी बेचते हैं, मशरूम का भी बेचते हैं, और जो पहाड़ी शहद है वो भी बेचते हैं, और एक चाय पत्ती मैंने खुद बनाई, उसका निर्माण किया मैंने, वो उसको बहुत सारे सेल हो रही इस बार, खत्म हो गए अभी कोरोना के टाइम पे, क्योंकि वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो वो काफी भी की अभी है नहीं, अभी लानी पड़ेगी, उसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग है। और लाल चावल बेचते हैं हम, और खुबानी का तेल बेचते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं हम लोग, हमारे कम से कम जी 30-35 टाइप की ऑर्गेनिक चीजें बेचते हैं हम, प्योर एयर के उत्तराखंड जी एक क्वेश्चन मेरा लिंगड़े का को लेकर ही है, उसकी सब्जी तो जी मैंने खाई हुई है, लेकिन मैं ये जी जानना चाहूंगी कि उसमें काफी आयरन है, कैल्शियम है, काफी मतलब प्रोटीन विटामिन उसमें होते हैं, तो मैं आपसे जी जानना चाहूंगी कि अगर हम इसका अचार बनाएं तो कितने दिन तक इसको रख सकते हैं, और ये कितने दिन लगता है इसको बनाने में, और देखो क्या मैं सावधानियां आपको हमें पूरा बरतनी प्रोसेस चाहिए? आप तो उस पूरा प्रोसेस बताता हूँ, वैसे सीक्रेट रेसिपी तो शेयर हो रही है अभी मैं और क्या आपको सावधानियां बताना इसमें बरत चाहता सकते हूँ हैं? सावधानियां हाँ भी आप बताएं कि क्या सावधानी रखें हम। तुम वही मैं आपको शुरू से आखिर तक बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले जंगल जाओगे, लंगड़ा तोड़ोगे, घर आओगे, फिर उसके जो रेशे होते हैं वो निकालोगे, काटोगे, फिर उसके बाद उसको 2-3 पानी से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीजें, उसको वॉश करो, उसको 3-4 दिन तक अच्छे से धूप में सुखाओ, तुरंत मत बनाइए, क्योंकि उसके अंदर 70% वाटर ही होता होगा, तो अच्छे से धूप में सुखाए, जब वो अच्छा सा हो जाए तो उसके बाद आप जो आपका प्रोसेस होता है मसाला डालने का, जो ये विनेगर हो गया, तेल हो गया, और मैं ये बोल रहा हूँ जब आप तेल गरम करते हो उसमें ये डालना जरूरी है, हींग बोलते हैं उसको, क्योंकि जी जो जी हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो जो उसकी जो खुशबू है वो थोड़ा अलग हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, तो उसमें वो ऐड करना जरूरी है। और आप जब बनाओगे तो लेंगड़े जो बहुत सारे लोग पकाते हैं थोड़ा सा हल्का, कभी भी पकाना मत, क्योंकि वो सबसे जल्दी अचार खराब हो जाता है, जी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग टाइम तक चलाना तो उसको अच्छे से सुखाओ पहले, जब तक पानी सूखा नहीं, तो फिर उसका जो प्रोसेस चालू है तो आप डब्बे में भरो, और डब्बे में भर के उसमें तेल हो गया, विनेगर हो गया, खूब सारा तेल डालो, और उसको 7 दिन तक सनलाइट में पकाओ, सनलाइट में पकाओ, फिर उसके बाद आपका जो अचार है वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। मेरे तो खराब नहीं हुआ नहीं, बहुत सारों को मेरे को फोन भी आए थे कि यार मैंने बनाया था खराब हो गया, तो मैंने मैंने उनको सलाह तो दी थी पहले, पता नहीं उन्होंने उस पे अपना ये ध्यान दिया नहीं दिया होगा, बहुत सारों को मेरे को फोन आया कि आपने जो रेसिपी बताई थी वो खराब हो गई, मेरा अभी तक खराब नहीं हुआ, मेरा कुछ बिक भी गया है और कुछ जी अभी जी पड़ा हुआ है, और कुछ हम बना के गाँव में रखे हुए हैं, तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मेरे को फोन भी आए थे, मैंने दिल्ली, फरीदाबाद, लुधियाना और हरियाणा में भी हिसार एक जगह है वहां पे मैंने कोरियर भी किया, प्लस कोरियर चार्ज भी उन्होंने दिया, क्योंकि ये लेंगड़ा वाला अचार वाला एक बार दैनिक जागरण में और राज्य समीक्षा वाले में छापा था, तो उसमें उन्होंने कमेंट्स किया था, तो मैंने कमेंट्स के जवाब में उनको वापस कॉल की थी। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, एक हम सिलबट्टे का नमक भी बनाते हैं, उसमें जी जी हम 20-22 टाइप का हर्ब हर्ब डालते हैं, क्यों मैं जैसे वोकल पे लोकल की बात कर रहा हूँ, तो चाट मसाला हमको जो चंकी चाट मसाला आता है वो 60 रुपए का मार्केट में मिलता है 100 ग्राम, हम जी बेचते जी हैं 30 रुपए का 100 ग्राम, और
और वो चीजें जो इंग्रेडिएंट्स उसमें है वो हमारे जो हमारे वाले में है वो उसमें नहीं। मेन प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग की कमी है और इसको मार्केट का, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो पैसा है इसको ब्रांड करने का, क्योंकि आजकल ब्रांड बहुत ज्यादा है। अगर कुछ भी चाहे वो राख में उसमें बाहर लगा दिया, कुछ भी ब्रांड लगा दिया, हाँ बिकना उसको। हम ब्रांडिंग नहीं करते, हम ब्रांडिंग में इतना यकीन नहीं करते जितने हम क्वालिटी और प्योरिटी में यकीन करते। ब्रांड तो खैर बाद में बनी जाएगा जब ठीक ठाक आना शुरू हो जाए, क्योंकि मार्केट में तभी चला जा सकता जब आदमी के पास पैसे बहुत हो। हमारे पास पैसे इतने लगाने में हम ब्रांडिंग नहीं कर पाते, बाकी हमारी चीजें शुद्ध होती। जी जी, जैसा कि आपने मार्केटिंग के लिए कहा, तो लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि मेन हम चीज प्रोडक्ट जो भी हम बनाना चाहते हैं वो हमने बना लिया, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमें मार्केटिंग की आती है। तो अगर हमारे उत्तराखंडी जो हमारे भाई बहन हैं वो इस व्यवसाय को करना चाहते हैं, मान लो उन्होंने बना भी लिया और कर भी लिया, तो उनकी जो मार्केट है या उसकी जो खपत है वो कहाँ और कैसे करें, इस बारे में अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें। मैडम उसके लिए तो ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा खुद शहर में जा नहीं सकता आजकल सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में भी आप जैसा लेंगड़े का अचार है तो मैं बोलूंगा वेंडर ऑफ द लेंगड़े का अचार, वेंडर ढूंढ सकते हैं आप वहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसका वेंडर ढूंढने खुद भी ढूंढने पड़ते हैं। तो मैं तभी तो जैसा अजय विश जी ने बोला, गांव वाले अगर मिलके कुछ करना चाहें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो मेरे को अगर आईटी का नॉलेज है, दूसरे को रेसिपी का नॉलेज है, तीसरे को गाड़ी चलाने का नॉलेज है, उसको वो नॉलेज है, मिलके अगर टीम बनाई जाए तो एक मार्केटिंग करेगा, एक प्रोडक्ट करेगा, एक सेल करेगा, एक लोगों को बताएगा, ये चीजें हो सकती है, मिलके होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, सब मिलके साथ होगा, साथ होगा तो तभी सबका विकास भी होगा और सब एक साथ करेंगे। विजय जी, आप क्वेश्चन लेना चाहेंगे? अजय जी जी मैम, आप क्वेश्चन लेना चाहेंगे या फिर टाइम भी काफी हो गया है या लास्ट क्वेश्चन? मैम एक दो क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे टीकाराम जी, आप होटलियर इंडस्ट्री से रहे हैं और हमारे 65% हमारे भाई बंधु इसी फील्ड में है, तो एक होटलियर के लिए सबसे सुखद पल कौन सा होता है और सबसे दुखद पल कौन सा होता है? सुखद पल तो वही होता है सर, जब आदमी तरक्की पे तरक्की करता तो वो सुखद ही पल है। जैसे होटल इंडस्ट्री में मैंने मोस्टली अपने उत्तराखंडी भाई लोगों को देखा है जो होटल इंडस्ट्री में कदम रखता है, कुछ तो सपने लेके आता होगा, तो उसका सपना पूरा होता है। जैसे मैं इंडिया में 15,000 ले रहा हूँ, अगर मेरा वीजा बाहर का लगा तो मैं 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख भी ले सकता हूँ। सबसे सुखद अनुभव उसकी उसके जीवन का वही होता है कि मैंने तरक्की कर ली, या अगर वो किसी छोटे पद पे काम कर रहा है तो हमारे होटल इंडस्ट्री में कौमी लेवल 1, 2, 3 होते हैं, जैसे सू शेफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं, तो अगर वो प्रमोशन होता है फिर वो प्रमोट करके उसको और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, अच्छे होटल में जॉब मिलती है, तो जब वो बाहर जाता है तो उसको सुखद ही अनुभव होता है। और जो दुखद अनुभव है तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, दुखद अनुभव तब है जैसे हमारे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है, जैसे कोई बहुत सारे दूर देशों में है तो वहाँ पे ये भी होता है, अगर घर में कोई गलत घटना घट जाए तो वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती, तो उसके लिए एक दुखद ही अनुभव है। और ये वो कभी कभी ये भी सोचता है, सबसे मेन होता है जो फेस्टिवल होता है, हर फील्ड के लोगों को फेस्टिवल के टाइम पे छुट्टी मिलती है, एक पुलिस हो गया और होटल इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको कभी छुट्टी, फेस्टिवल में उनका काम और भी बढ़ जाता है। अब जैसे संडे को छुट्टी सबकी रहती है, आपका फील्ड है, मेरा फील्ड है, जो दूसरा फील्ड है होटल छोड़ के, तो सबसे ज्यादा संडे को उनका काम बढ़ जाता है, और जब फेस्टिवल सीजन आता है तो अपने परिवार के साथ वो सुखद अनुभव न बिता के वहां पे काम करता है, फिर भी वो खुश रहता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा दुखद अनुभव उसके लिए ये है, बाकी होटल इंडस्ट्री अच्छी है, और मैं होटल इंडस्ट्री के सभी लोगों को बोलता, मेरे को तो अच्छी लगी, अपना पैशन अगर बनाओ तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि होटल से ही सेलिब्रिटी शेफ भी निकले हैं जो आज एज अ सेलिब्रिटी शेफ भी हैं। जी जी, और मैं टीकाराम जी आपसे लास्ट ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, उसके बाद अजय जी अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन मेरी है कि जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहन है और खास करके जो हमारे होटल कर्मचारी हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश है आप देना चाहोगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना का समय चला हुआ है ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं, संयम बरतें
और कभी भी अपने को ये मत समझे कि मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। देखो हर 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 अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है, रात के बाद दिन हो गए होता है, और ये समय जरूर अच्छा आएगा। और हम जो जैसे हम रन कर रहे थे होटल इंडस्ट्री में, वही रन करेगा, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो फूड है, फूड ऐसी चीज है कि जो जो आदमी फूड के फील्ड में काम करता उस फील्ड में कभी भी जॉब की कमी नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले खाना ही खोजता, दूध पीते है ना, खाना ही हो गया, वो दूध पीता है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को कपड़ा चाहिए। जो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत बेस्ट इंडस्ट्री है, मैं उनको ये, और मैं जो होटल मैनेजमेंट के जो छात्र हैं मैं उनसे यही अपील करूंगा, आप ये मत सोचना कि आगे हमारे लिए कोई स्कोप नहीं। आप देखो जो तुम्हारी किताबें हैं उनको पढ़िए, रेसिपी पढ़िए, और सबसे मेन होता है प्रैक्टिकल, थोड़ी बहुत घर में प्रैक्टिकल भी करें, और जो रेसिपी बुक है उसको याद रखें, हाइजीनिंग के बारे में नॉलेज रखें, जो आपके लिए बहुत काम आएगा और आप सक्सेस होंगे। और ये मत सोचना, निराश मत होना, क्योंकि ये इंडस्ट्री का भी बंद, कुछ भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना खत्म एक ना एक दिन हो जाएगा, तो संयम बरतें। और मेरी यही सलाह है कि ये एक दिन जाएगा ही जाएगा, बस थोड़ा सा विलम्ब है, जब तक वैक्सीन नहीं बनी या कम नहीं हुआ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बुरा प्रभाव होटल इंडस्ट्री पे नहीं, समस्त जो जितनी भी इंडस्ट्री है उन पे ही पड़ा है, भारत पे तो खैर सबसे ज्यादा पड़ा है। जी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आज की जो ये हमने चर्चा की है वो पसंद आई हो, कुछ जानकारियां भी उन्हें मिली हो। तो अजय जी, आप अगर कुछ क्वेश्चन या कोई पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, टाइम भी हो चुका है। क्वेश्चंस एक्चुअली व्यूअर्स के बहुत हैं, वो मैं पर्सनली देना चाहूंगा। टीकाराम जी, आपसे एक विनती है कि कोई भी साथी अगर आपसे किसी रेसिपी या किसी चीज की जानकारी के संदर्भ में अगर आपसे बात करना चाहे, किसी तरीके से कांटेक्ट करना चाहे, तो अगर आपको उचित लगे तो आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। और अवश्य सर, अवश्य बिल्कुल सर, क्योंकि जब ज्ञान होता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, अगर आपने पा रखेंगे तो कुछ होता नहीं है, ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है, आदान और प्रदान क्या बोलते हैं, जो हमारा दिमाग को क्या है, एक ऐसा कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, पैसे अगर खर्च करोगे खत्म हो जाएगा, तो दिमाग में जो ज्ञान होता है जैसे आप खर्च करोगे वो बढ़ता ही जाएगा, वो कभी भी पूरा नहीं हो, ये जो हमेशा ये कि बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जी जी जी, तो मैं बेझिझक कह सकता हूँ, आप अगर कुछ हमसे कुछ ले तो हमारा सौभाग्य रहेगा, अगर हमसे कोई इस विषय में वार्ता करना चाहे। जी, आप अपना नंबर दे सकते हैं। जी, मेरा नंबर है 7409514968, 7409514968। जी, ये मेरा नंबर है, अगर आप कॉल कर सकते हैं हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यशोदा मैम आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारियां दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है, संयम बरतें, वेट कीजिए, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है। मैं अपने सभी होटलियर भाई बंधुओं को भी ये संदेश इस माध्यम से देना चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से निराश ना हो, बहुत ही जल्दी देखिए अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, आप निराश ना हो, और अपनी मेहनत अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहिए, जो आपका टाइम है इसको यूटिलाइज कीजिए, इसको बढ़ाते रहें, अपने क्षेत्र में अपने गांव में लोगों को भी बताएं कि हाँ इस तरीके की भी रेसिपी बन सकती है, हो सकता है कि मेरा गांव इस रेसिपी के लिए इस तरीके से आ जाए कि कल को अगर इधर को कोई मतलब टूरिस्ट स्पॉट बनता है तो आपके गांव में उस रेसिपी को खाने के लिए लोग दूर दूर से आए, तो आप इस चीज पे भी आप जरूर प्रयास कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर। थैंक यू।